मेरे अराइवल की खबर सुनते ही ये दिल कैसे की तरह दौड़ते हुए चले आएंगे। कैसे ओजी? है? ओजी ऐसे कूर कूर के क्या देख रहे हो? अच्छा समझ गई, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं अचानक यहाँ लैंड कैसे कर गई। एक्चुअली वो क्या है ना, मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए मैंने दो दिन पहले वाले चिट्ठी में भी नहीं लिखा था कि मैं आ रही हूँ। मैंने भी नहीं लिखा था। ओए होए, ये क्या हो गया आपको? सुनकर कांटा क्यों हो गए हो? लकी भैया, रंग भी कुछ बदला बदला सा लग रहा है ना? नहीं नहीं, अभी तक तो ठीक था, आपके आने से बदल गया। कमाल है जी, मैं कब से बकबक किए जा रही हूँ और आप रिएक्ट ही नहीं कर रहे। ओ राजा, बहू के साथ क्या सड़क पे खड़े रह के बात करेगा? घर में चला। अरे आ रहे अंकल, आ रहे, चलो जी। ए, ठहरो। कौन हो तुम? तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या? मैं क्या जी, एक पति को अपनी पत्नी से पब्लिकली ऐसे सवाल करना शोभा नहीं देता। पत्नी? कौन सी पत्नी, किसकी पत्नी? नहीं बेटा, अपनी पत्नी से ऐसी बातें नहीं करते। अंकल ये कौन है ऐसे मैं जानता नहीं, इसे तो आज तक मैंने देखा ही नहीं। अंकल क्या? बेटी तू कुछ कह रही है, ये कुछ कह रहा है, मामला क्या है? अंकल एक महीना मैं इसे दूर क्या रही तो मतबल, ये मेरे मिस्टर और मैन की मिसेज नहीं रही। मैं पूछती हूँ ये कहाँ का इंसाफ है। ठीक है अंकल, ये अपने आप को मेरी पत्नी कहती है ना, इसे पूछे, कोई सबूत है इसके पास? हाँ बेटी, तेरे पास कोई सबूत है? ओजी वेद मंत्र फेरे, ये क्या कम है जो मैंने इनके साथ लिए थे? मक्की दी रोटी सरसों का साग, क्या कम सबूत है जो मैंने इनके लिए बनाए थे? बेटी ये सब करते हुए तूने कोई वीडियो टेप उतारा था? टेप? हाँ आजकल उसी से तहलका मचता है। ओजी टेप गया भाड़ में, सबूत नंबर वन लाइव आपके सामने खड़ी है, सबूत नंबर टू लाइव मेरे सामने खड़ा है। आखिर आप चाहते क्या है कि मैं पुराने हिंदी फिल्मों की तरह ये प्रूफ करके दिखाओ कि जो अंगूठी मैंने पहन रखी है वैसे इन्होंने भी पहन रखी है और इनके पीठ पे कौन सा दिल है? नहीं अंकल, मैं आज के जमाने की कॉन्फिडेंट लड़की हूँ और मैंने वो क्या कहना पिक्चर भी देखी है, इसलिए देखो जी आप मुझे फुलन फाले बता दो कि मैं आपकी बीवी हूँ कि नहीं। नहीं हो। अंकल कुआं की तरह क्यों पुत्र, प्यास लगी है? नहीं कूदना है। ना पुत्र, तू कॉन्फिडेंट लड़की है, ऐसी लड़कियां खुद नहीं कूदती, सामने वाले को कुदाती है। कुदा। नहीं अंकल, मेरा कॉन्फिडेंस टूट चुका है, मैं कूदूंगी। ना पुत्र, तेरे कूदने की नहीं खेलने के दिन है। नहीं अंकल मुझे कूदना है। बात मैं तेरी प्रॉब्लम समझ गया, ओए मैं इसको पिछाड़ गया हूँ, ये कौन है? पिछले बहू का सामान उठा और चल अंदर, आ जा पुत्र, मैं देखता हूँ। मैं क्या जी, कितना सोना, कितना प्यारा, कितना ब्यूटीफुल कमरा हैगा। ओह खिड़की भी है, पहाड़ भी और बगैर फूल वाले झाड़ भी। ए लड़की, अभी भी वक्त है, सच सच बता दे तू है कौन। ओ जी इसमें बताना क्या है, सच सच में मैं आपकी वाइफ हूँ और आप मेरे हस्बैंड हैं। बकवास बंद करो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम जैसी लड़कियों से पीछा कैसे छुड़ाया जाता है। ओ गॉड, आप मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं? मैं समझ गई, आपने मेरे एब्सेंस में किसी 7-8 टाइप लड़की को रख लिया हमारे बेडरूम में। अयो जी रोने का नहीं, प्लीज डोंट क्राई। थैंक यू लकी भैया। भैया? लकी भैया आप तो उनके फ्रेंड हो ना, कम से कम आप तो मेरी हेल्प कर सकते हो, इनसे ये तो पूछ सकते हो ऐसा क्यों कर रहे हैं यार, ऐसा क्यों कर रहे हैं यार। देखो लाइफ में कभी कभार पत्नी पत्नी ना भी हो तो फर्क चीजों से पत्नी मान लेना चाहिए। क्यों मान लेना चाहिए, क्यों मान लेना चाहिए लकी? ओफो डिब्बे भैया, मेरा एक हाथ तुम्हारे मुँह में फंस गया और अगर मेरा दूसरा हाथ पति पत्नी के मुँह में फंस गया तो मैं किस हाथ से खाना खाऊंगा? किसे कहा पति पत्नी, किसे कहा पति पत्नी? देखो मेरा प्रॉब्लम ये है, तुम्हारा प्रॉब्लम ये है, मैं बाहर जाके मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, तुम अंदर रह के तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करना। ओके बाय बाय। लकी तो चला गया, क्यों ना दरवाजे को बंद करके खिड़की पे बैठ के ब्राउन ब्राउन झाड़ियों को देखकर रोमांटिक टाइप की बातें करे। मेरा पैर। You bloody! In 2 minutes you get lost from here. ओए होए, आज तो ब्लडी कब की लॉस्ट ही हो चुकी हूँ। ये लड़की, इस गाने के बारे में तुम्हें कैसे मालूम? ओजी कमाल करते हैं आप, मालूम कैसे नहीं होगा? शादी से पहले जब हमारा चक्कर चल रहा था तो सेम टू सेम डिटो यही गाना तो गाया करते थे आप। लकी भैया अब आप ही बताइए, पत्नी को पति के पसंद के बारे में मालूम नहीं होगा तो हु विल कॉल दैट पत्नी और पत्नी? जय हो भाभी जय हो। अयोबे निकल गया निकल गया निकल गया निकल गया निकल गया, राजा राजा भी निकल गए। ओए होए, हाथ बंद लगा, ये सारा झंझट तेरी वजह से हुआ लकी। ए, मेरी वजह से? मेरे में इतना पावर होता है तो ऐसा खूबसूरत झंझट खुद के लिए ढूंढने लिए होता है। अरे अंकल बनने का दिन सर पे आ गया, अभी तो कोई आंटी मिला ही नहीं, हमको सब पसंद है लेकिन कोई आंटी हमको पसंद है? मैं देखूंगी। राजा
ये आंटी छत पे किसको ढूंढता ढूंढता? जरा देखो तो। अयो राजा, ये दूसरा वाला आंटी भी छत पे विदाउट अंकल किसको ढूंढता ढूंढता? What a lovely! लकी, कुछ समझा? समझा समझा, अपनी बहू को देखना चाहती है दोनों की दोनों फैमिली। दोनों की दोनों फैमिलीज, हम दोनों परिवारों को एक दूसरे के करीब ला सकते हैं अपनी बहू से मिलवाने के बहाने। एक दूसरी बात कहूं लकी? क्या? हम ये तरीका अपनाएंगे नहीं। पर क्यों राजा? क्योंकि ऐसे तो ये लड़की बेअकल, बेअदब, बेहया। करेक्ट, बेहया और बदमाश लड़की को मेरी रजामंदी मिल जाएगी, फिर तो ये पत्नी की मोहर लगा के हमेशा के लिए मेरे गले पड़ जाएगी फंदा बनके, फिर कौन झेलेगा इसे? ऐसा अनपढ़ गवार लड़की मेरा डबल एमए एमएससी राजा के लिए कभी नहीं। तू बंदो बेटी, ओ बेटा बरसात में तू क्या खाना कर रही है? अंकल, जिन लोगों के दिमाग का पेट ढीला होता ना, वही ऐसी हरकत करते हैं। अरे, मेरे सर्टिफिकेट्स कहाँ चले गए? अंकल, हाँ? अंकल, ड्रॉज में मेरे सर्टिफिकेट्स थे, वो किसने ले लिए? भाई, मुझसे पूछना तो संगीत के बारे में पूछ, सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट मैं नहीं जानता। हाँ, बंतो बेटी ने शायद कबाड़ साफ किया है, उसको पता होगा। एक्सक्यूज मी, सुनिए, वो मेरे सर्टिफिकेट्स ड्रॉज में थे, वो तुमने कहाँ रख दिए? अच्छा अच्छा, मतलब वो कागज के टुकड़े? कागज के टुकड़े? कमाल करते हो जी, मैं तो आपको बड़ा इंटेलिजेंट समझती थी, लेकिन आपको तो इतना भी नहीं पता कि रद्दी को रद्दी की जगह पे रखना चाहिए। रद्दी? अरे उन सर्टिफिकेट्स के पीछे कितनी दिन रात की मेहनत है, कितना संघर्ष है, तुम नहीं समझोगी। तुसी बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं तो बेअकल, बेअदब, बेवकूफ हूँ। अब मुझे क्या पता कि रद्दी कौन सी और सर्टिफिकेट्स कौन से? तो गुम्मन अंकल के तबले को आज देनी थी तो? नहीं, ऐसा नहीं किया ना तुमने? नहीं, ऐसा सोचा था कि सर्टिफिकेट्स को आग लगा के, लेकिन लेकिन ऐसा नहीं किया ना तुमने? हाँ, क्यों बताए? देखो जल्दी से बताओ वरना चुटिया पकड़ के गला घोटूंगा मैं तुम्हारा। गुम्मन अंकल भी आ गए। hey! गुम्मन अंकल बंदो की बच्ची, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तेरी चुटिया पकड़ के तुझे हाथ नहीं देती तो मेरा नाम भी राजा नहीं। ए मिस्टर, आप बंतो बेटी के पति हैं क्या? किसने कहा? अरे उन्होंने ही कहा है कि दरवाजे के बाहर जो चपरासी की तरह पहरा दे रहा है वो मेरा पति है। ऐसा कहा उसने? ए मिस्टर, बिहेव योरसेल्फ। सॉरी सिस्टर। जाइए, दवाइयां लेके आइए, जाइए। ओके। डोंट वरी, पैर में जरा सी मोच आई है और कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं शाम तक ठीक तो हो जाऊंगी ना? अरे शाम तक तो आप माधुरी दीक्षित की तरह डांस करने लगेंगी। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो श्री देवी की फैन हूँ। चांदनी, ओ मेरी चांदनी। अरे बेरहमो, जालिमो, तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हिरनी की तरह उछलती कूदती एक मासूम बच्ची की टांग निकल गई। अब दूसरी टांग तुम्हारा बाप ला के देगा? हम कहां से लाए अंकल? मुर्गी की टांग होती तो होटल शेरे पंजाब से ले आते। क्या बोला? हमारे पास एक्स्ट्रा तो हम सैक्रिफाइस कर देते। तू चुप कर है, सरदार की शक्ल में मद्रासी, तुम्हारी इन्हीं कमीनी हरकतों की वजह से मैं तुमको तिहाड़ जेल भिजवा सकता हूँ। नहीं नहीं गुमन अंकल, ऐसा मत कीजिएगा प्लीज। अगर ये जेल चले गए तो मैं बेल कहां से लेके आऊंगी? और वैसे भी मेरी तो लाइफ की फिलॉसफी है, इसी में प्यार की आबरू। मेरा भी गाने को मन कर रहा है। टैंग 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 टैंग। तुम्हारी इन कमीनी हरकतों के बावजूद फिर भी वो तुम्हारी तरफदारी कर रही है।
इसको कहते हैं भारतीय नारी। वाह बेटी वाह, कितने सुंदर शब्दों में तूने अपने आदर्श सामने रख दिए। आदर्श नहीं अंकल, हिंदी फिल्म का गाना गा रही है वो। अबे तू अपनी पैंट में रहना। निकर में अंकल। तू बाज नहीं आएगा? मैं क्या करूं इनका यार। तू फिकर मत कर बेटी, मैं इनको अंदर नहीं करवाऊंगा। हाउ स्वीट अंकल। बाहर कराऊंगा, इस घर से बाहर। हमारा घर से हमको बेघर कर देगा निर्दय? अब बताओ जालिम कौन है, हम या तुम? हम नहीं तुम। सुन बेटी, अगर ये दोबारा ऐसी जलील हरकत करे ना तो एक अंकल नाम की अराप कर देना, फिर आके मैं इनकी वो हालत करूंगा जो मैं कर नहीं सकता। ओके अंकल। मैं चलूं बेटी, मेरे गाने के रियाज का वक्त हो रहा है। ओके अंकल। सुनो जी, इधर आओ ना। हाँ बोलो, क्या बात है? एक दो तीन, सीधा तेरा पे आ जाना। आर यू डार्लिंग, आर यू? लेकिन इससे पहले मुझे ये बताओ कि इन कपड़ों को सर्फ में धोना चाहिए या साबुन से? दिखने में तो पॉलिएस्टर के लगते हैं, सर्फ में धो जाए तो करेक्ट रहेगा, क्यों लकी? या तो फिर जाओ धो। एक्सक्यूज मी, कम अगेन? मेरा मतलब है सर्फ खरीद कर लाओ, इन्हें धोकर सुखाओ। व्हाट, तुम्हारे कपड़े हम धोएंगे? इम्पॉसिबल। यू मीन टू से यू विल स्नैप योर फिंगर्स एंड वी विल डांस योर ट्यून? यहाँ पे किसी को किसी की कमी महसूस नहीं हो रही? नहीं। अंकल की? इससे पहले कि मैं उन्हें आवाज दे के बुलाऊ, सोच लो कि बिना कार के गुजारा कैसे होगा तुम्हारा। राजा, और बाहर कोई हमें मकान देगा भी नहीं। मामा और चाचा का आदेश जो है, यानी कि बनवास, देश निकाला काला पानी। मैडम, जितना कपड़ा जल्दी दे दो, हमारा टाइम वेस्ट मत करो। चलो चलो। तुम दिल की धड़कन विच। ओ जी, मेरा दुपट्टा। सॉरी, गलती से कपड़ों में आ गया। कोई गाल नहीं। ये डिजाइन देखिए मैम, बहुत बढ़िया है। नो नो, ओ हमको ये साड़ी पसंद आया। सॉरी मैम, ये साड़ी पहले से ही वो पसंद कर चुकी है। गुड मॉर्निंग ग्रैंडमा। राजा, तुम यहाँ कैसे आया? मैं ग्रैंडमा, वो साड़ी की दुकान है ना, दाढ़ी बनाने के लिए आया होगा। ओह गॉड, ये भी यहीं पर है। अरे नानी माँ, आप यहाँ? वेरी पेने। तू यहाँ कैसे? शॉपिंग ग्रैंडमा, आप साड़ी सेलेक्ट कीजिए, मैं अपनी पेमेंट करके आता हूँ। अच्छा, स्टुपिड, यू स्टुपिड। ओह, आई लाइक दिस कलर। ये कितने का है? 635 रुपए मैम। इट्स ऑल राइट, लेकिन डिस्काउंट माइनस करके? सॉरी मैम, इतने भी डिस्काउंट नहीं मिलता, केवल 1000 रुपए की खरीदी पर 25% की छूट है। क्या नानी माँ, कुछ शॉपिंग वॉपिंग की नहीं? लीना, 800 रुपए की साड़ी। सिर्फ 800 रुपए की साड़ी? मतलब आपको डिस्काउंट डिस्काउंट नहीं मिलेगा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये साड़ी रुपए मुझे दे दीजिए। किस लिए? अरे दे दीजिए ना। अरे मगर, अरे अरे गणमा, ये रुपए और साड़ी मुझे दीजिए। वाई? अरे दीजिए ना, कम ऑन, गिव इट टू मी गणमा। ओ कंप्यूटर वाले भाई साहब, इन दोनों साड़ियों का बिल इकट्ठा बना दीजिए। इकट्ठा बिल काहे को? जस्ट वेट एंड वॉच गणमा। अरे तो कर क्या रहा है? धीरज रखिए, जल्दी कीजिए प्लीज। ये रही आपकी साड़ी और ये रही आपकी साड़ी। आपने 800 रुपए की साड़ी खरीदी, उसके 25% डिस्काउंट के हिसाब से ये रहे आपके 200 रुपए, और आपके 635 रुपए की साड़ी के 158.75 रुपए डिस्काउंट ये लीजिए। अरे वाह, आप लोगों की तो ऐसी होगी, एक साथ दो साड़ियां खरीदने में आपका 358.75 रुपए का फायदा हो गया। दादी माँ, नानी माँ, ये तो छोटा फायदा हुआ है, इसी तरह आप दोनों भी जिंदगी भर मिलजुल कर रहेंगे ना तो बहुत बड़ा फायदा होगा, सोच लीजिए। You are not stupid. तुम भी? No stupid. 55, 56, 57. अरे राजा, तूने चाय बनाई कि नहीं बनाई? उबल रही अंकल, उबल रही है। 62. और सुन, 63. ए राजा, तूने उसको दवाई दी कि नहीं दी? अभी देता हूँ अंकल। 66, 67, 68. राजा, तुम बहुत फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हो, कुछ लेते क्यों नहीं? क्या लूं यार, जहर? 75, 76,
राजा तेरा हालत देख के मुझे नियरली रोना आ रहा है। अपने नाना दादा के घर से बेघर, एक फटे हुए डॉल के घर में, और एक लड़की ने जाने कहाँ से तेरे गले में घंटी बन गई है। तू उसके लिए इस्त्री कर रहा है, चाय बना रहा है, कपड़े धो रहा है। लाइफ में थोड़ा बहुत सर्व करना पड़ता है लकी। जब तक इसकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती है, ये चलना शुरू नहीं कर देती। अरे चलना क्या, कूदना शुरू नहीं कर देती। ये सब तो करना पड़ेगा ना लकी। कूदने लगा जी। अरे हे भगवान, ये मैं सपना देख रहा हूँ या हकीकत? हकीकत। शर्म नहीं आती तुम्हें? सबके सामने लंगड़ी होने का नाटक करती हो और यहाँ छत पर रस्सी के साथ फुदक रही हो। 113, 114, 115। वो इसलिए कि मैं आपकी जोगन हूँ जी। क्या बोली? चल हाथ, क्या मैं हाथ राजा? ओ मैडम, अरे लोग एक्सीडेंट के बाद आजकल अस्पताल में जाके गिरते हैं, आप सपने में जागी रही? अच्छा हुआ मेरा टाइम अच्छा चल रहा है, वरना मैं जेल में जा गिरा होता। चलिए मैडम उठिए, डांस करते करते थक गई होंगी, अब घर जाके थोड़ा आराम कर लीजिए। नहीं जी नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं थकी, एकदम फ्रेश फील कर रही हूँ। जोगन जोगन। यार लकी, मैं अजीब कश्ती में सवार हो गया यार। ये लड़की बीवी का नाटक करते करते पता नहीं मुझसे क्या क्या करवा रही है और आगे भी ना जाने क्या क्या करवाएगी। अरे तुम हो इस लायक। और एक बार मैं आइडिया। क्या? देख, अगर वो तुम पर पत्नी होने का हक जताती है तो तू क्यों पीछे रहता है? मैं समझा नहीं। लकी पहली बार तूने कमाल का आइडिया दिया है। अगर तेरा बदन बदबू नहीं मारता ना तो मैं तुझे गले लगा लेता। हेलो जी। नमस्ते नेबर आंटी जी। नमस्ते जी। बेबी, ये शाम से दोनों के दोनों बार बार फूल किसके लिए लेके जा रहे हैं? चाची जी, तुसी मेरी चोटी तो कंप्लीट कर लो, फिर जाके देखते हैं। बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। चाची जी, कमरे को तो बिल्कुल सुहागरात के स्टाइल में सजाया है ना? सुहागरात के स्टाइल में नहीं, सुहागरात के लिए ही सजाया है। सुहागरात किसकी? हमारी, तुम्हारी और मेरी। अच्छा, क्या हमारी? और नहीं तो क्या, गुम्मेन अंकल की। चाची जी, हमारी शादी को हुए 3 महीने हो गए। 3 months, but for information, you know, हमने अभी तक सुहागरात ही नहीं मनाई। एक्चुअली भूल गए थे। Unbelievable ना? लेकिन चल बहुत काम है, चले। क्या सुहागरात ही नहीं मनाई? तभी मैं कहूँ तुम लोग चूहे बिल्ली की तरह क्यों लड़ते रहते हो सारा दिन। चाची जी, दरअसल बात ये है कि बात कुछ भी हो पर ये बात ठीक नहीं है बेबी। आंटी बिल्कुल सही कहा आपने, आप जल्दी से इसे सुहागरात के लिए तैयार कर दीजिए। चल बेटा चल। अरे चाची जी, आपको कुछ नहीं पता। अंकल, आंटी, एंडी, अंकल, उन दोनों के लिए ब्लैक में टिकट मंगा के कुछ कुछ होता है देखने के लिए थिएटर में बिठा के आ रहा हूँ। देखिए ना आंटी, उन लोगों की पिक्चर खत्म होने जा रही है और मेरी पिक्चर शुरू भी नहीं हुई। बिल्कुल ठीक कह रहा है तू। अगर मैं ठीक कह रहा हूँ तो इसे कहिए ना जल्दी से तैयार हो जाए। ये रहा सुहागरात का जोड़ा और ये रहा सुहागरात का मेकअप का डब्बा। लकी फूल लग गए। क्या करूं? हां हां, अरे नहीं नहीं, 1 मिनट 1 मिनट, लिपस्टिक और फुसफुस मत बोलना। राजा कंग्रेचुलेशन ऑन सक्सेस इन द फर्स्ट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। नाउ लेट्स गेट रेडी फॉर द फाइनल एग्जाम। यस यस। ब्यूटीफुल। रेडी राजा, बेस्ट ऑफ लक फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन, गेट डिस्टिंक्शन।